Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today I'll be visiting Mysore Palace and some other wonderful places near Mysore. So the distance between Bangalore and Mysore is approximately 145 kilometers. The most common and convenient way to travel is by car. The journey usually takes around 3 to 4 hours depending on traffic conditions and the specific route we take. Ready ho gaye ladke hamare Mysore ke liye nikalne ke liye. Our final stop will be Mysore Palace. You can reach Mysore from Bangalore by various means of transportation. By train also, by bus. But agar aap car se ja rahe hain to sabse best option jo hai wo yahi hai ki aap Bangalore Mysore wala highway se jaye. और ये हाईवे काफ़ी अच्छा है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वहाँ मैसूर पहुँचने में। अगर आप हाईवे से जाते हैं तो जो टोल लगेगा आपका अगर आप कार से जा रहे हैं तो वो है अराउंड 330 समथिंग वन वे। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो काफ़ी स्ट्रेट रन और प्राइवेट बसेस अवेलेबल हैं बेंगलोर और मैसूर के बीच में और जो कि टाइम लेंगी 3 से 4 घंटे। और ये ट्रिप जो हमारी वन डे ट्रिप रहने वाली है तो पहले हम जो है बालामुरी फॉल्स जाएंगे, उसके बाद केआरएस डैम, देन वृंदावन गार्डन एंड देन इन द लास्ट द मेन वन मैसूर पैलेस। और सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि मैंने पहले भी ट्रैवल ब्लॉग्स में जो अपलोड किए हैं उसमें बोला है कि मैं आने वाले महीनों में 25 से ज़्यादा जगहों पर जाने वाला हूँ और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं टू गेट रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। और किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले थोड़ा वेदर वहाँ का देख लें, रियल टाइम वेदर वहाँ पे कैसा है, क्योंकि अगर धूप ज़्यादा है तो थोड़ा अवॉइड ही करें जाना क्योंकि आप अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो हमने तो देख लिया था, वेदर काफ़ी अच्छा था जिसकी वजह से हमने तो बिना सोचे समझे गाड़ी उठाई और चल दिए। सो इसलिए आप भी थोड़ा सा पहले एक बार अच्छे से देख लें। बालामुरी वाटरफॉल्स सिटी के अंदर नहीं है, वो सिटी से थोड़ा 16 किलोमीटर पहले ही है और हम पहुँच चुके हैं बालामुरी वाटरफॉल्स। सो आप जिस साइड से आएंगे उधर से वाटरफॉल्स में जाने की जो है परमिशन नहीं है, तो हम ये ब्रिज क्रॉस करके उस साइड जाएंगे और तब हम उसके अंदर जा सकते हैं। और वेदर तो काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए, तो काफ़ी अच्छी बात थी ये। बालामुरी वाटरफॉल्स इज अ स्मॉल आर्टिफिशियल वाटरफॉल फॉर्म्ड बाय अ चेक डैम बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर एंड इट्स अ पॉपुलर स्पॉट फॉर पिकनिक्स एंड डे आउटिंग्स। और अपनी ट्रिप प्लान करते समय अपने बैकपैक में एक टॉवल और एक कैप तो जरूर रखा करें। बालामुरी फॉल्स मे नॉट बी एज मैसिव एज सम ऑफ द नेचुरल वाटरफॉल्स बट इट हैज़ इट्स ओन यूनिक चार्म एंड देयर इज एन एक्साइटिंग एक्टिविटी यू कैन डू हेयर इज कोरेकल राइड एंड वी कुड नॉट रिसिस्ट टेकिंग अ डिप इन दिस रिफ्रेशिंग वाटर्स। और फोटो लेना हम कैसे भूल सकते हैं। और अब बालामुरी फॉल्स में नहाने के बाद हम जा रहे हैं केआरएस डैम, ऑल्सो नोन एज कृष्ण राजा सागर डैम। वहाँ पे पहुँचने पे हमें पता चला कि डैम पे अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि पहले बहुत से सुसाइड केसेस की वजह से ये जो अंदर जाना है बंद कर दिया गया है और किसी को परमिशन नहीं है अंदर जाने की। अब हम जा रहे हैं वृंदावन गार्डन और रास्ते में ही आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा जहाँ पर आपको टिकट लेनी होगी और जिसका चार्जेस है 100 रुपीज़ कार के लिए और इसमें जो है पार्किंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं वृंदावन गार्डन के। वृंदावन गार्डन इज़ अ शो गार्डन डेट हैज़ अ बोटेनिकल पार्क विथ फाउंटेन्स एज वेल एज बोट राइड्स बेनिथ द डैम। वृंदावन गार्डन वॉज डिजाइन बाय सर मिर्जा इस्माइल द फॉर्मर दीवान ऑफ मैसूर एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द फेमस सालीबर गार्डन ऑफ कसम। एंट्री टिकट जो है 50 रुपीज़ पर पर्सन है अंदर जाने के लिए। इवनिंग में यहाँ पे एक म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है जिसकी टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे अगर बोले तो 6:30 PM टू 7:30 PM एंड सैटरडे टू संडे 6:30 PM टू 8:30 PM। तो गाइस बारिश होने की वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, आज का वृंदावन गार्डन का प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं।
जाएगा अभी। डैम पे जाने की परमिशन तो नहीं है, तो इसलिए कि पीछे का रास्ता है जहाँ से डैम थोड़ा पास से दिख सकता है, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। थोड़ी सी चुल है पीछे वाले बंदों को थोड़ा पास से देखने की डैम की, तो अब चुल का भी निवारण तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। लेट्स सी। कृष्ण राजा वाडियार फोर्थ महाराज ऑफ मैसूर कंस्ट्रक्टेड द डैम ड्यूरिंग द फेमाइन डिस्पाइट द क्रिटिकल कंडीशन इन हिज स्टेट। The dam was built across the river Kaveri in 1924. डैम बनना स्टार्ट हुआ था नवंबर 1911 में और 10,000 वर्कर्स जो है एम्प्लॉय किए गए थे इस डैम को बनाने के लिए, और फाइनली जो इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 1931 में। एंड इट हैज 48 ऑटोमेटिक गेट्स डेट ओपन एंड क्लोज एट द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द रिजर्वॉयर इन 6 सेट्स विद 18 इंच। And the water from this dam is used for irrigation in Mysore and Mandya, and it is the main source of drinking water for all of Mysore, Mandya, and almost whole of the Bengaluru city. डैम देख लिया है, लोगों के चुल्हे पूरी हो गई है, अब हम जा रहे हैं मैसूर पैलेस, और पहले भूख भी लगी है थोड़ी सी, तो पहले कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद सीधा मैसूर पैलेस के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमें वापस बैंगलोर भी निकलना है, क्योंकि कल हमें कहीं और जाना है, तो इसलिए हमें टाइम से पहुंचना पड़ेगा ताकि हमारी नींद पूरी हो पाए। और अब हम मैसूर मेन सिटी में एंटर कर चुके हैं, तो पहले हम खाना खाएंगे और फिर उसके बाद सीधा मैसूर पैलेस के लिए निकलेंगे। और अभी 4 बज रहे हैं और लास्ट एंट्री जो है मैसूर पैलेस में एंट्री की वो है 5:30 बजे। खाना खाने के बाद अब हम मैसूर पैलेस के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया 5:30 बजे जो है लास्ट एंट्री है और अभी इस वक्त 4:30 बज रहे हैं। एंड विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड द ग्रोथ ऑफ मोटर व्हीकल्स द टांगा कल्चर इन मैसूर ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स, बट सम इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन टू रीइंट्रोड्यूस टांगा राइड्स फॉर टूरिस्ट स्पेशली ड्यूरिंग कल्चरल फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजंस। और अब हम मैसूर पैलेस की पार्किंग में पहुंच चुके हैं और पार्किंग के चार्जेस हैं ₹50। मैसूर पैलेस के अंदर जाने के टिकट प्राइसेस हैं ₹100 पर पर्सन और फ़ोन पे UPI नहीं चलता है, ओनली कैश। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, अगर आप कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हैं तो कैश अपने साथ ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि बहुत जगह जो है कैश ही काम आता है, फ़ोन पे UPI अवेलेबल नहीं रहता। और अंदर पैलेस में जाने से पहले आपको शूज़ बाहर ही उतारने होंगे, या तो आप अपनी कार में ही रख के आ सकते हैं या जिस भी व्हीकल से आप आए हैं, अदरवाइज़ आप अंदर भी सबमिट करा सकते हैं, बट अंदर लाइन रहती है, इससे बढ़िया आप अपनी कार में ही उतार के आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अंदर पैलेस में एंट्री से पहले यहाँ पर आपका जो है टिकट चेक होगा, और टिकट चेक करने का इनका तरीका काफ़ी बढ़िया है, ये टिकट को फाड़ देते हैं। Mysore Palace, also known as Amba Vilas Palace, is one of India's most visited and iconic places. It was originally built in the 14th century but was later rebuilt in the Indo-Saracenic architectural style we see today, with influences from Hindu, Muslim, Rajput and Gothic styles. If we talk about the history and significance of the Mysore Palace, the Mysore Palace served as the official residence of the Wadiyar rulers and was the seat of the Kingdom of Mysore. It's now a historical monument and is renowned for its architectural splendor and the famous Dasara festival, which attracts millions of visitors every year. The place boasts a stunning mix of stained glass mirrors and vibrant frescoes that adorn the walls of ceilings. Each room has its unique charm and it's like walking through a living museum. और फिर आप एक रूम में एंटर करेंगे जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स होंगी वाडियार डायनेस्टी के लोगों की, उस टाइम के राजा महाराजाओं की, और आपको पेंटिंग्स में दिखेगा कि पहले कैसे राजा महाराजा रहा करते थे, शाही अंदाज उनका। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो लास्ट एंट्री है वो 5:30 बजे होती है मैसूर पैलेस के अंदर, और आप अंदर 6:30 बजे तक ही रुक सकते हैं, उसके बाद आपको बाहर जाने के लिए बोल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट शो भी होता है शाम को, जिसकी टाइमिंग है 7 से 8 एंड 8 से 9। दो लैंग्वेजेस में शो होता है, 7 से 8 इंग्लिश और 8 से 9 कन्नड़।
और वाकई में कुछ तो बात है मैसूर पैलेस में जो इसे और उसे अलग बनाती है। और अब हम पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। द इंटीरियर्स बोस्ट इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड रिचली डेकोरेटेड सीलिंग्स एडॉर्न विद वाइब्रेंट कलर्स एंड डिटेल्ड पैटर्न्स। नाउ लुक एट दिस। और यहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ था जिनके साथ गाइड भी था, तो गाइड ने दिखाया उन्हें कि यहाँ पे सेम प्लेस पे कैसे रिचुअल्स परफॉर्म होते थे पहले के टाइम पे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और वैसे ये वीडियो YouTube पे पहले से ही पड़ी हुई है क्योंकि वो भी वहीं से दिखा रहे हैं, तो अगर आपको वैसे देखना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो YouTube पे देख सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। द पैलेस यू जस्ट सॉ नाउ वॉज रीबिल्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी आफ्टर द ओल्ड वुडन पैलेस वॉज डिस्ट्रॉयड by a fire in 1897। और अब पैलेस अंदर से तो देख लिया है, अब बारी है बाहर से देखने की। और ये देखिए क्लाउड्स, काफी मौसम अच्छा हो चुका था उस टाइम तक। मैसूर पैलेस इज अ सिंबल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज एंड रॉयल लेगेसी ऑफ कर्नाटका। इट्स कैप्टिवेटिंग एल्योर ड्रॉज मिलियंस ऑफ विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, making it one of India's most cherished architectural wonders and a must-visit destination of travelers seeking a glimpse of India's regal past। और अभी 6:30 बज चुके हैं और मैंने बताया था कि 6:30 बजे गार्ड्स आपको बाहर जाने के लिए बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि 7 बजे लाइट शो भी शुरू होता है, तो आप वापस जाने की बारी आ चुकी है। अगर आपको लाइट शो देखना है तो आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी जिसका प्राइस रहने वाला है 120 रुपीज़। और यहाँ पे एक मंदिर भी था लेकिन अब टाइम नहीं बचा था अंदर जाने का, तो इसलिए वहाँ तो मैं नहीं जा पाया था। लेकिन आर्किटेक्चर जो है मंदिर का काफ़ी अच्छा है बाहर से अगर आप देखेंगे तो। लेकिन अभी तो टाइम हो चुका है, तो अभी पहले हम बाहर जाएंगे और फिर दोबारा लाइट शो के लिए टिकट लेंगे और वापस अंदर आएंगे। और वीकेंड्स पे अगर पॉसिबल हो तो अवॉइड ही करें आना, वीकडेज में आएँ ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो जाती है। अगर आपको अच्छे से एक्सपीरियंस करना है तो आप वीकेंड्स पे ना आके वीकडेज में आएँ। मुझे पता है सभी को वीकेंड्स पे ही टाइम मिलता है, वीकडेज में सबको काम ही रहता है, मैं खुद भी वीकेंड पे ही गया था, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपका पॉसिबल है तो वीकेंड्स पे ना आके वीकडेज पे आएँ। और ये लाइट शो के लिए अब फिर से लाइन लगानी पड़ेगी हमें। अगर आपको शो इंग्लिश में देखना है तो टिकट्स जो हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को ही अवेलेबल हैं 7 से 8 के शो की। और अब टिकट ले ली है और अब हम दोबारा से एंट्री करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि कैश ज़रूर लाना है क्योंकि फ़ोन पे नहीं चलेगा, तो मैंने भी कैश दे के ही टिकट लिया है। वैसे तो मैंने पूरे लाइट शो की वीडियो बनाई है जो कि अराउंड है 40 मिनट्स की, बट लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ सेकंड का पार्ट डाल दिया है कि अगर आपको लाइट शो देखना है कि कैसा लगता है। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने एक 3 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पर टैग कर दूंगा इस वीडियो के। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है 40 मिनट्स की तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। शो देखने के बाद भूख सी तो लगी गई थी, तो खाना तो बनता ही था, तो हमने सोचा बैंगलोर पहुंचने में तो टाइम लग जाएगा, तो हमने मैसूर में ही खाना खाया। अगर आपने मेरे पहले के ट्रैवल ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा दूसरी वीडियोस के और एंड स्क्रीन पे भी टैग कर दूंगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस अनफॉरगेटेबल जर्नी टू द मैसूर पैलेस। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन
तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग ट्रेवल एडवेंचर्स। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं,